कस्टडी में है साहबुद्दीन का बेटा और जमानत पर अब कल सुनवाई होगी। और 50 आपको बता दें कि 50 लग्जरी गाड़ियों के साथ वो पहुंचा था कोर्ट। चोरी का फॉर्च्यून में राजस्थान पुलिस ने उसे पकड़ा था और फिर उसे सिवान लाया गया। मेरे साथ अमित है सिवान से। अमित आप बताएं क्या हुआ, कितनी भीड़ थी, क्या हुआ कोर्ट में? आज सीजीएम कोर्ट में जो उनके पेशी हुई है, जो उनके समर्थक थे हजारों की संख्या में सीजीएम कोर्ट पे पहुंचे हुए थे। बता दें कि उनको हिरासत में लेकर उन्हें जेल भेज दिया गया है। बता दें कि उन्हें उनके समर्थक काफी नाराज दिख रहे थे और सीजीएम कोर्ट में उन्हें पेश किया गया है। बताया जा रहा है कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में, लेकिन लगभग वकील से अभी कंफर्म बात नहीं हो पाई है। बता सकते हैं कि समर्थक की काफी भीड़ है। ओसामा साहब पहली बार, मतलब कई मामले उन पे दर्ज है पहले भी, लेकिन पहली बार वो कोर्ट में पेश हुए। देखिए आपको बता दें कि सिवान सांसद मोहम्मद साहबुद्दीन का बेटा ओसामा साहब की पेशी हो चुकी है और वहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ओसामा के वकील आज कोर्ट में जमानत की अर्जी डालेंगे जिस पर अब कल सुनवाई होगी। आपको बता दें फिलहाल पुलिस ओसामा को कोर्ट परिसर से सिवान मंडल कारागृह जो है वहां ले गई है और सिवान के हुसैनगंज थाना के छपिया में 42 कट्ठा जमीन को लेकर विवाद और फायरिंग के मामले में उनकी पेशी हुई है। कोर्ट के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ थी, जैसा से बता रहे थे अमित। अमित ये बताएं कि वो कितने दिन से फरार थे और पुलिस किस तरह से सुराग मिला पुलिस को, क्या क्या जानकारी है इसके बारे में? सप्ताह दिन से जो फरार थे मोहम्मद साहबुद्दीन के पुत्र जो सामा साहब थे, उनके साथ सलमान जो है उनको कोर्ट में जो पेश किया गया है तो फरार चल रहे थे और कोटा ने उनको गिरफ्तार करके उनके कई मामले दर्ज है। बता दें कि उनके एक रिलेटिव हैं मोतिहारी में, वहां पे भी उनका एक मामला दर्ज हुआ है और लगातार पुलिस को तलाश थी। छपिया से जो 42 कट्ठी जमीन थी उसको लेकर जो है ऑडियो भी कई तरह के वायरल हुए थे जिनमें रंगदारी का मामला सामने आया था, उसी को लेकर पुलिस जो है उनकी खोज रही थी और उन्हें आज सीजीएम कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। जिस तरह अमित बता रहे थे भीड़ के बीच पुलिस ओसामा को बड़ी मशक्कत से कोर्ट में लेकर पहुंची थी और भीड़ काफी थी। समर्थक ओसामा के समर्थन में नारे लगा रहे थे। आपको बता दें 50 लग्जरी गाड़ियों के साथ उसका जो काफिला था, 50 लग्जरी गाड़ी उसके साथ थे। भीड़ को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस कोर्ट कैंपस में मौजूद थी और बिहार पुलिस से कोटा से गिरफ्तार की है, कोटा से लेकर सिवान पहुंची है। आप ये बताएं जो उसके समर्थक थे क्या दिखाना चाहते थे वो क्या वो साबुद्दीन के नक्शे कदम पर है या फिसल गए हैं अभी पहले ही बार में वो जिस तरह से पुलिस ने हिरासत में ले लिया, क्या लग रहा है कि साबुद्दीन के हाथ में? साहबुद्दीन साहब के चाहने वाले लोग बहुत सारे हैं और जितने समर्थक हैं उनके पुराने जो सभी हैं, उनके कौम के जो अदर समर्थक सभी कास्ट के लोग वहां पहुंचे थे हजारों की संख्या में। उनके साहबुद्दीन साहब के नाम से उनके जो समर्थक हैं वो सामा साहब के समर्थक में आए हुए थे और यहां पे जो है देख सकते हैं कि समर्थक काफी नाराज हुए। उनके अरेस्टिंग के बाद समर्थक जो है काफी नाराज हो रहे थे और चाह रहे थे कि वो जेल ना जाए, पर देख सकते हैं कि भीड़ जो था बेकाबू हो रहा था, प्रशासन संभाल नहीं पा रही थी, पुलिस की व्यवस्था जो थी सही ढंग से नहीं देखा गया, इसलिए वहां पे कुछ लोगों को पुलिस द्वारा हटाया गया और कुछ बल का भी प्रयोग थोड़ा बहुत किया गया यहाँ पर। तो भीड़ काफी थी, आपको लग रहा कि कल भी यही स्थिति रहेगी? हाँ देखिए कि या तो जेल भेज दिया गया फिर कल क्या स्थिति होती है। बस उनके जो वकील और समर्थक का कहना है कि उन्हें हिरासत में लेकर उन्हें जेल भेज दिया गया, फिर उनकी पेशी होगी और जो जमीन का मामला है वो 42 कट्ठा जमीन जो है हुसैनगंज थाना क्षेत्र के जो मामला था जिसमें ओसामा साहब के समर्थक पर एफआईआर हुसैनगंज थाना में दर्ज हुआ था और उनके साथ उनके साथी भी थे, उनका भी नाम सामने आया था। अब देखना ये होगा कि कोर्ट का रुख क्या होता है, उसको उनको जमानत मिलती है अभी मिलती है, लेकिन सबसे मजे की बात ये है कि ओसामा कोटा में, राजस्थान के कोटा में जिस गाड़ी से वो घूम रहा था वो चोरी की निकली और फॉर्च्यून के जो मालिक है इमरान खान उसने गाड़ी की चोरी की शिकायत कर रखी थी और कोटा पुलिस ने सोमवार को उसे दोस्तों के साथ पकड़ा है और आज सिवान कोर्ट में उसे पेश किया है। जी अमित आप बताएं कि क्या है इनका, क्या ये वो फिर से हम पूछने की वो साहबुद्दीन के रास्ते ही चलना चाहते हैं या इनका कुछ अलग है? क्या ये जमीन कब्जाना या फायरिंग करना, क्या इनका जो वारदात का हिस्सा है ये क्या है? इनके समर्थक हैं वो कर रहे हैं या खुद इन्वॉल्व है ये? उनके समर्थक का कहना है कि उन्हें फंसाया जाता है, उन्हें कई तरह के मामले थे कि साहबुद्दीन साहब के जो पहले जो चाहने वाले लोग थे दुश्मन भी बहुत थे तो दुश्मन जो सारी तरह फंसाना चाहते हैं ऐसा उनके समर्थक का कहना है, लेकिन देखा जा रहा है कि जो लगातार मामले दर्ज हो रहे हैं उनपे
है, तो इसी के लेकर ये कोर्ट में पहली बार, मतलब कई मामलों के बाद ये पहली बार ही कोर्ट में पेश हुए हैं। हेरा साहब जब से लोकसभा चुनाव में कदम रखा है तब तक उनकी, हेरा साहब का कहना है कि उनके दुश्मन जो है उन्हें सारी तरह फंसा रहे हैं। जिस सोमवार को उनके साथ वसीम और सैफ भी गिरफ्तार हुआ है, जो उसके दोस्त थे, जहां से सिवान पुलिस ने उसे कस्टडी में लिया था, तो ये वसीम और सैफ का क्या है, ये कहां के मित्र हैं, कोटा के मित्र हैं या सिवान के ही मित्र हैं, क्या है जानकारी? कोटा के मित्र नहीं है, वो सिवान के मित्र हैं, ठीक है, और उनके उस मामले में उनको भी मिल चुकी है राजस्थान कोटा से, और उनके मित्र हैं वो, सामा शेर बचपन के मित्र है, वो लोग बचपन में साथ रहे मित्र, छपिया भी केस में उनका नाम है उधर उसमें। तो मोतिहारी में जमीन विवाद में फायरिंग और तोड़फोड़ का मामला और शर्मा के खिलाफ दर्ज है, और सिवान कोर्ट में पेशी के बाद। जी जी बोलिए बोलिए। मोतिहारी में उनकी बहन की शादी हुई है और पारिवारिक मामला है उनका अपना, और उसी मामले में जो है अपनी बहन के पक्ष से गए थे, हुए थे वहां पे, तो ये सब तो जो वीडियो जो वायरल हुआ था, जो प्रसारण चला था सारी दुनिया से देखी थी, उसको लेकर इनपे एफआईआर वहां पे दर्ज है, वो मामला भी चल रहा है। तो एक बार फिर से आप बता दें कि जिस फॉर्च्यून गाड़ी से वो घूम रहे थे कोटा में, वो चोरी की गाड़ी थी, और इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है DL8CBA7702, इस नंबर के रजिस्ट्रेशन की गाड़ी के खिलाफ चोरी का मामला वजीरपुर परिवहन कार्यालय में दर्ज है, इसको लेकर रजिस्ट्रेशन नंबर लॉक कर दिया गया है, और गाड़ी के मालिक इमरान खान ने गाड़ी चोरी का मामला दर्ज कराया है, और आज सिवान कोर्ट में इनकी पेशी हो गई है, अब कल उन्हें जमानत मिलती है, ये क्या होगा ये कोर्ट के रुख पर निर्भर है। 23 का ये जेल देते कितना दिन को जेल भेजा गया है, जो कोर्ट केस नंबर थाने फोटो मार लीजिए। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि कोटा के रामगंज मंडी पुलिस ने वो सामान को उसके दो दोस्त वसीम और सैफ के साथ जो गिरफ्तारी हुई है, ये शांति भंग करने के आरोप में इसे गिरफ्तार किया गया है, और तीनों में से दो गिरफ्तार उसे उनको बेल मिल चुकी है वहां पे। तो अब देखना है कल कोर्ट में पेश किया गया वहां पे जाके उन्हें, तो अब ये देखना है कि कल कोर्ट का रुख क्या होता है। हां कोर्ट का रुख, हां अब कोर्ट का फैसला आने के बाद स्पष्ट रूप से हो पाएगा कि मामला क्या है, किस तरह का जवाब लग रहा है, जमानत मिलती है कि नहीं मिलती है। लेकिन समर्थकों की भीड़ है, हाँ भीड़ बहुत ज्यादा है, भीड़ मतलब पुलिस बहुत रोल की गाड़ी का साथ जो आया है ना, मैरवा गुटनी होते हुए आया है, लेकिन जो है शहर के बाहर ही सभी गाड़ी को रोक दी है, मीटर जो गाड़ी का काफिला है वो काफी बड़ा था, वो सारा रोक दिया गया था, समर्थक काफी संख्या में जितने पैदल यहाँ तक पहुंच सके कोर्ट में वो आ पाए, बाकी सभी लोग बहुत पीछे रह गए। तो जिस तरह बताया जा रहा है कि कोटा के रामगंज मंडी थाने के बाहर के समर्थकों की अच्छी खासी भीड़ थी, और आज तो इतनी भीड़ है कि 50 फॉर्च्यून 50 जो लग्जरी गाड़ी है वो उसके साथ है, उसके अलावा तमाम आसपास के लोगों की देख सकते हैं भीड़ क्या। जी जी रास्ते से गुजरे ना उनके समर्थक, हर रास्ता में मिलते गए उनके समर्थक, जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, उनकी गाड़ी जब तक सिवान नहीं पहुंची रास्ता भर में उनके जो समर्थक थे, और जो जैसे मान कर सिवान जिला के जितने भी आपको पढ़ते हैं मैरवा पढ़ते हैं गुटनी पढ़ते हैं, तो वहाँ के समर्थक उनके मौजूद थे वहाँ पर लगातार, और जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे थे। तो जो जानकारी है उसके मुताबिक शाहबुद्दीन के जो बेटे हैं वो गोवा जा रहे थे, बीच में कोटा में उसे गिरफ्तार किया गया है, और बिहार में इनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। जी कई मामले दर्ज हैं। जी चलिए कल आप नजर रखिए कल क्या होता है, बताइए। कल अब कोर्ट में पेशी के बाद ही स्पष्ट रूप से पता चलेगा, बाकी कोर्ट का जो आदेश होता है उसके बाद क्या होता है, फिर पुलिस आगे की कार्रवाई क्या करती है, तो कोर्ट का वास्तव में उनको कल फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद आगे का जो क्या निर्णय निकलता है कोर्ट के आदेश के बाद ही स्पष्ट रूप से पता चल पाएगा।
चलिए धन्यवाद अमित जोड़ने के लिए और बात करने के लिए। ठीक हुआ इस मामले में आज सिंपली कोर्ट में कोटीज पुलिस ने किया है इनका कस्टडी वारंट बना के कोर्ट के आदेशानुसार इनको मंडल कारा सिवान भेजा गया। किस मामले में गए हैं जेल? एक हुसैनगंज 249-23 एक घटना है, उस जमीन संबंधी दो लोगों के बीच विवाद था और एक पार्टी अपने वर्चस्व से अपना दीवार जोड़वा रही थी या दूसरा पार्टी आकर रोक दिया। अब उसी में चूंकि अभी इनका भी एक ठो छवि है खराब करने के लिए, एक पार्टी इनको भी उसमें नेम्ड कर दिया, इसलिए इनको इसमें एक्यूज बना दिया गया है। तो क्या लगता है कि अब इनको कब बेल मिलेगा? कुछ अभी बेल के लिए तो न्यायिक प्रक्रिया है, बेल कब मिलेगा क्या मिलेगा तो स्टार्ट होगा तो देखा जाएगा, इसके लिए क्या कहना। अभी जेल भेज दिया गया अभी तो मैंने जो प्रक्रिया है प्रक्रिया के तहत उनको जेल भेजा गया है। ठीक।